Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. नमस्कार जी, किस लिए आए हो आप लोग? बहुत परेशानी है। क्या क्या करवाने आए हो? कहीं काम कराने कोई काम नहीं हो रहा है। आज किस लिए आए हो? मैं हमारी गाड़ी पीथरी है, पीथरी बनवाने के लिए आया था। किसके लिए? पीथरी है, फाड़ ले आ रही सुबह से। आप पुराना ऑटो जमा करके नया ऑटो निकलवाने के लिए रिप्लेसमेंट हो रही है। मुझे कल बुलाया था, संडे मंडे को कल आया तो मेरी फाइल यहाँ नहीं पहुँची। आज बुलाया तो आज मेरी फाइल तक यहाँ नहीं पहुँची। मुझे लेने लगा हूँ, मैं 10 बजे से लेने लगे पड़े यहाँ पर, कोई सुनवाई नहीं है। कल आया आपकी बात दलालों के आने आते हो, पहले सुनवाई थे कम लेते, अभी लाइन में खड़ी सुनवाई नहीं है किसी। दलाल कितने पैसे लेते हैं? दलाल तो बहुत पैसे, 2000-5000 जो मुझसे मांग लेते हैं देने पड़ता उनको, और हमारी कोई सुनवाई नहीं है। सब लाइन में लग करके पब्लिक खड़ी हुई है, किसी की सुनवाई नहीं है। धक्के मार मार के पीछे करते हैं और रजान के आदमी आते हैं, दलालों के आदमी पहले घुस के काम करके चले जाते हैं। हम भूखे पैसे पानी के भी यहाँ खड़े रहते हैं। अभी टाइम क्या हो रहा है? आपने ऑटो वालों की भलाई के लिए हमसे सपोर्ट मिल, हमने किया भी और अभी भी करेंगे, मगर ऑटो वालों की कोई देखभाल नहीं है। सिर्फ आप इसलिए आए हो कि केवल साइन कराने पहले पुराना ऑटो, ये हमारी P3 है तो मुझे यानी कि आरसी तो आगे मेरे नाम पे। मगर सर एक चीज समझ में नहीं आ रही, पहले 2027 तक पुरानी आरसी और इस पे ये लिखा हुआ है 2018 तक, यानी 2018। कितने चक्कर लगा लिए? सुबह था 9:30 बजे, कल भी आए, कल आया था, नहीं था सर। फाइल ट्रांसफर करवानी है और छोटे भाई का पेपर है, उसको स्कूल से भी लेने जाना है सर। कोई पंखा नहीं, कितना गर्मी गंदा मर रहे हम लोग यहाँ पे। हमारा सर कल आया, 10 नंबर वाला नहीं था सर। धक्का मार मार के पीछे भगा देते हैं। और कितनी बार आपको देखा है? आगे मत बढ़ो, कहते हैं यार छोड़ जाते हैं, यहीं खड़े हो जाओ, कहते हैं यार कंप्लेंट भेजो, नहीं कोई तुम करो कार्रवाई। जब से मलेशपुर आया गया है तब से ये जितेंद्र यहाँ हर तीनों पे पैसे, हर उसमें हर काम के पैसे, हर पे पैसे, इनने इतना भ्रष्टाचार फैलाया ना, कभी जिंदगी नहीं हुआ। कितनी कंप्लेंट कर लो, बल्कि ये नहीं मैंने दी। आपके 49 सरकार में अच्छा काम हुआ था और जब 4 साल में इतनी प्रॉपर्टी दिखाई दे रही है, सरकार और भाई प्रॉपर्टी थोड़ी अभी ना नहीं कागज में लेटर आया हुआ था, सर सेंटर में मिलता है, सदा से करता है यहां से कि आपका काम हो जाए, हमने रजिस्ट्रेशन करना है। एमएलए भाग गया सुबह यहां से, सुबह भाग गया एमएलए यहां से, आई नहीं हमारा नहीं है हम सब से नहीं बोलने जो नाम सारे काम से बात होंगे सर। अभी आ रहे हैं दैया, आ रहे हैं दैया, आ रहे हैं का लिहाज नहीं करते। गाड़ियों की कैपेसिटी दिन प्रदिन बढ़ती चली गई, जैसे 1 लाख ऑटो हो गए, पर स्टाफ उसे डरने पे है जो 15 साल पहले थे। गलती ऑफिसर्स की नहीं है, एक ऑफिसर की एक लिमिट है काम करने की, वो 8 घंटे 10 घंटे काम कर सकते हैं, पर जब आप गाड़ियों की स्ट्रेंथ 4 टाइम्स कर दोगे वो ऑफिसर क्या करेगा? ड्राइवर की बात कर रहे हैं, ड्राइवर को आने परमिट के लिए 2-2 दिन आना ऐसा सर प्लीज, मुझे भी बोलने दो, थोड़ी हवा आने दो, आपने कह दिया भाई, क्यों क्या कह रहे हैं? 6 महीने हो गए, आप इनको डिफेंड ना करो,
सर मैं जानता हूँ क्या होता है। उन्होंने दो भाई प्लीज पीछे हो जाओ, आप पीछे हो जाओ, इनको बोलने दो, आप पीछे हो जाओ। मेरे पास और सर जी इनके पास भागते रहे, इन्होंने परमिट बना के दे दिया, आरसी आज तक नहीं, जबकि आरसी पहले बनती है सर। अभी इसको एमएलए को परमिट है, अभी एमएलए को आ रहा है, एक मिनट एक मिनट है, आज अगर चार साल हो गया देखो उनके खाते खाते आपकी पार्टी का तक्के निकाली तक्के ना 70 साल जारी उम्र है। ये देखिए क्या कमी है मेरे देश में, आप देखिए क्या कमी है, कदर लगाइए कैसा बलबलिएगा। ये परमिट है कटौती का दिया हुआ है, नेट पे दूसरा आ रहा है परमिट है, आप लगे बजाने रूट पे गाड़ी चले मेरे हो जाता हूँ कदर चलाओ सिम भी लगा रहे हैं सर, वो सिम भी चालू नहीं हो रहा है सर। सर डिम्स खत्म कर लगा, डिम्स के चक्कर में सिम लगा, गाड़ी पास ही नहीं हुआ, ये लगा वो लगा, सारा कुछ चालू नहीं हो रहा है सर। डिम्स खत्म कर दो जी सर, 9 बजे सुबह आया हूं मैं, जीपीएस खत्म करो, 9 बजे सुबह आया हूं, डिम्स ही खत्म कर दो सर। सर मीटर के चक्कर में भागे रहते हैं और ये प्राइवेट लाइसेंस वाली गाड़ियां नहीं चलाने दे रहे हैं सर, इस पे ध्यान दीजिए सर। बहुत कमी है आपके राज में, बहुत कमी है आपका, सिर निकल भाई दल कमजोर है, आपका उत्साह कमजोर है। अब मुझसे मिल जाए मैं बताता हूँ दिल्ली में क्या हो रहा है। सर जितने भी स्टाफ लोग हैं जीपीएस खत्म करो सर, चार साल हो गए, चार साल में मुझे परमिट नहीं मिला। हाँ जी क्या है, ये कागज दे दिए आपके लिए, वो ड्राइवर के पास जो कागज मांगे थे ना आपने, दलाल लेके मुझे मगर सर काम नहीं हो रहा मेरा, ये देखिए आप सर एक बैरिकेडिंग ना सर थोड़ी सी पीछे हो गया आपके लिए, एक ऐसा जो आदमी आगे आ जाए बीच में करते हैं, लेकिन आपकी गुराड़ी अथॉरिटी में ना पार्किंग है सही सर, और पानी भरा हुआ सर जी। नहीं नहीं सर जी आप तो स्टेज पे इतने अच्छे लच्छेदार भाषण देते हैं, एक एक करके बात करते हैं, आप स्टेज पे इतने अच्छे लच्छेदार भाषण देते हैं, हर इंसान यानी पार्टियों के खिलाफ क्या काम करने आए हैं आज, यहाँ क्या काम कराने आए हैं? पार्टी का वो काम है, पासिंग का काम है, नया ऑटो पास कराना है, नहीं नया नहीं पासिंग, फिटनेस, हाँ फिटनेस, फिटनेस के लिए आए हैं। हाँ क्या कोई प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे? प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम पार्किंग में है, प्रॉब्लम पानी इतना भर रहा है, आप कहते हैं पार्किंग ठीक करानी है, आप कहते हैं दिल्ली सरकारी लेकिन आपकी बात हो रही है, कराते हैं पार्किंग ठीक करानी है, आपकी बात हो रही है, यानी आप अपने भाषा में बोलते हैं, यानी मेरी गाड़ी का ये मेरे जितने मेरे अब ये कहते हैं कि आपका मकान नहीं बनेगा, 11,500 रुपये आप फीस जमा कराओ, मैं एमएलओ के सामने हम कहते नहीं बनेगा, मैं फिर मेरा लर्निंग क्यों काटा आपने, लर्निंग काटा तो मेरा पक्का बनना चाहिए ना, पर वो कहते हैं कि हम लाइसेंस बना देंगे आपको, सेक्रेटरी दे देंगे, वो कहते हैं कि 11,500 फीस जमा करा दो सर, एक मिनट सर, 11,000 फीस को जमा करने को तैयार है, मेरे को ट्रेनिंग सर्टिफिकेट देने को तैयार है।